हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास ये हीरो की स्प्लेंडर BS6 बाइक है। इसमें क्या है कि ये जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है और बंद होती है तो सेल्फ में किर्र किर्र की आवाज़ आती है। आज हम इसको क्या है, इस सेल्फ को, हम इस आवाज़ को ख़त्म करने वाले हैं। कैसे ख़त्म करना है हम आज आपको बताते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमको क्या करना होगा, ये हमारा जो टूल बॉक्स का ये कवर है, इसको पहले हमको ओपन कर लेना है। आइए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, हम ओपन कर लिए। अब इसको बाद हमको क्या करना है, ये जो हमारे सेल्फ में ये देखिए नट लगे हुए हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे नीचे 4 और 5, ये 5 जो है हमारे जो बोल्ट हैं, इसको हमको क्या करना है, बाहर की ओर निकाल लेना है। तो आइए इसको पहले हम खोलते हैं। इसमें 8 नंबर की रिंच लगेगी, आपके पास रिंच हो या टी हो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस पे 8 नंबर लिखा है, और देखिए ये हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये देखिए लग गया, ये हमारा क्या है, ये देखिए, और ये हमारे पास टी है। ये 8 नंबर की आपके पास अगर रिंच हो या टी हो फ्रेंड्स, ये अंदर की ओर इस तरह से लगा के खुलेगा तो आपको टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो टी की माध्यम से आइए हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद हम आपको फ्रेंड्स दिखाते हैं। ये देखिए आपको ये 5 बोल्ट जो है इसका निकाल लेना है। ये देखिए, पहले हम हल्का हल्का सब ढीला कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये सेल्फ का जो ये हमारा कवर है, इसको हमको इस तरह से अच्छे से दबा करके, ये देखिए ये सारे बोल्ट हम निकाल लेंगे। ये ढीला कर लिया है हमने, सारे बोल्ट को हमको निकाल लेना है पहले, और ध्यान रखना है कि ये कवर जो है ये बाहर ना आने पाए अभी। देखिए फ्रेंड्स, ये हम सारे बोल्ट को अपने बाहर कर लिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जैसे आप ओपन कर रहे हैं वैसे ही आपको बांधना भी है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, हल्का से इसको कवर को हमको बाहर निकाल करके, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट होता है, तो हमारा जो अंदर ये सेल्फ है, आर्मेचर है जो चलता है, ये इसको ये बाहर आ सकता है। तो इसको बाहर हमको नहीं निकालना है, हल्का से इसको बाहर करके कवर हमको यहाँ उंगली से ऐसे प्रेस करके इसको रखना है, दबा करके, और उसके बाद ये हमको कवर को निकालना है फ्रेंड्स, जिससे हमारा सेल्फ जो है वो डिस्टर्ब ना होने पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। ये सेल्फ हमारा लगा हुआ है, सेल्फ हमारा निकलना नहीं चाहिए, जिससे लगाते वक्त अच्छे से ये बैठ जाए। ये देखिए इसकी कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं इसमें कितना डस्ट जमा हुआ है, कार्बन जमा हुआ है। ये जो रबड़ की सील है हमारी गायब नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये देखिए कॉलर बना हुआ है, इस रबड़ की सील को हमको यहाँ पे लगा देना है, और इसको हम पहले क्लीन करने वाले हैं। तो हम इसके आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसको हम पेट्रोल से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा जो कवर है, दोनों मैग्नेट भी आपको चेक करना है कि मैग्नेट अच्छे से लगा हुआ है कि नहीं। देखिए ये मैग्नेट कवर में चिपका रहता है, और ये देखिए इसका हम आपको क्लियर दिखाते हैं व्यू जो है, इसको हम अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लीन हो गया है। अब इसमें मेन क्या है, ये देखिए, ये जो हमारा ये शाफ्ट है सेल्फ का, ये शाफ्ट यहाँ पर, ये देखिए ये बुश है, यहाँ पर चलता है। अब ये क्या है, यहाँ पर हमको आयलिंग करनी होगी। आयलिंग क्या, हम यहाँ पे ग्रीस डालेंगे, यहाँ पे ग्रीस लगाएंगे, यहाँ पे ग्रीस लगाएंगे, तो ये जो हमारा ये शाफ्ट है, ये सेल्फ है, ये जो सूखा चल रहा है, किर किर की आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए हम इसमें ग्रीस करके आपको दिखाते हैं, और इसकी आवाज़ भी आपको हम सुनाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों पार्ट जो हमने आपको बताया है, दोनों जगह हमने ग्रीस को लगा दिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लगा दिया है, और ये देखिए अंदर जो एक बुश दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने ग्रीस को लगा दिया है फ्रेंड्स। अब आइए कवर को हम बांधते हैं। कवर बांधने वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो है हमारा यहाँ पे चुम्बक लगा है, तो ये पीछे की ओर खींचता है, तो इसको हमको हाथ लगा के और झटके से कवर को लगाना होगा। झटके से इसलिए लगाना होगा कि ये हमारा सेल्फ जो है ये हमारा बाहर ना आ जाए। तो इसको हमको जहाँ पर इसका है उसको हमको रख करके और तेज़ी से धक्का देना होगा, जिससे ये एक बार में हमारा बैठ जाए फ्रेंड्स। आइए हम इसको फ्रेंड्स बैठाते हैं। पहले तो आपको यहाँ देख लेना होगा सील हमारी अच्छे से लगी है कि नहीं। सील लगी है फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसको कवर को बैठाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये छेद आपको इसका, इसमें जो दिख रहा है ये होल, इसको आपको पहले मिला लेना होगा। ये देखिए, दो हमारा यहाँ दिख रहा है, दो नीचे का है, और सिंगल ये वाला ऊपर है। तो इसको हम ये उंगली से हल्का सा ऐसे इसको पकड़ के रखेंगे प्रेस करके, उसके बाद हमको सेल्फ को बैठाना है फ्रेंड्स।
झटके से बैठाना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि देखिए ये अपनी ओर खींच रहा है इसको। अब इसको हमको क्या करना होगा, हमको बैठा देना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से बैठ गया है। इसको हल्का सा हम धक्का भी दे देंगे जिससे ये अपनी जगह बैठ जाए। ये देखिए बैठ गया है। अब क्या करना है, जो भी बोल्ट हमने जहाँ से निकाला था उसको टाइट कर देना है लगा करके। ये देखिए एक वायर यहाँ पे, ये नीचे लगा था, ये यहाँ इस तरह से बोल्ट लगाते वक्त इसको हम लगा के टाइट कर देंगे। आइए इसको हम टाइट कर देते हैं। पहले देखिए फ्रेंड्स, ये दो जो बड़े बोल्ट लगे होते हैं, इसको ऊपर वाला और नीचे वाला, पहले आपको क्रॉस वे में अच्छे से मिला लेना है। देखिए हल्का हल्का आपको टाइट करना है ऊपर वाला और नीचे वाला। ये देखिए फ्रेंड्स, टी की मदद से हमने अच्छे से इसको टाइट कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा सेल्फ वाला ये बोल्ट है हमारा, ये तीनों हमको अच्छे से मिला लेना है हल्के हल्के से। पहले हम हल्का हल्का फंसा लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सेटिंग इसकी अच्छे से करना है आपको, क्योंकि ये इंजन को स्टार्ट करता है फ्रेंड्स। ये देखिए हल्के हल्के पहले हम इसको फंसा लेंगे। फंस गया हमारा दो, तीसरा ये भी हमारा फंस गया है फ्रेंड्स। इसके बाद इस बाइक को हम चालू करके आपको दिखाएंगे कि इसमें से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। दो तीन बार हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्के हल्के हमको मिला लेना है क्योंकि टी से ताकत बहुत ज़्यादा लगती है। ये देखिए, तो हमको दो तीन बार सेल्फ को चलाना पड़ेगा इसलिए फ्रेंड्स कि जो हमारी ग्रीस लगी हुई है वो ग्रीस अच्छे से वहाँ पे शाफ्ट में बुश में जो है वो अच्छे से लग जाए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आइए हम बाइक को स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ को सुनाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हम चाबी को ऑन कर रहे हैं। ये देखिए हमारी न्यूट्रल की लाइट आ गई। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम सेल्फ को क्या करेंगे, दो तीन बार घुमाएंगे, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है। अगर स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो दो तीन बार हमको सेल्फ यहाँ पे मारना होगा जिससे हमारा सेल्फ जो है वो प्रॉपर रूप से काम करने लगे। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स हमारी बाइक स्टार्ट हो गई, कोई भी आवाज़ इसमें नहीं है फ्रेंड्स। अब हम बंद करते हुए भी आपको हम आपको सुनाते हैं, यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो पहले खिर खिर की आवाज़ आती थी सेल्फ हमारी सेल्फ से आवाज़ आती थी, वो हमारी स्टार्ट और बंद होते वक्त बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही फ्रेंड्स। देखिए हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं आई, और बंद करते वक्त भी। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए ये जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।